नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ राधिका। देश के कई राज्यों में मॉनसून कहर बरपा रहा है। बात हिमाचल प्रदेश की करें तो यहाँ आफत की बारिश हो रही है। भारी बारिश ने पहाड़ी राज्य में सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है और कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा कर दी है। हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश से नदियाँ उफान पर हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने जानकारी दी कि भारी बारिश से भूस्खलन हो सकता है, निचले इलाकों में बाढ़ आ सकती है, नालों में भारी बहाव हो सकता है और नागरिक सुविधाओं में बाधा आ सकती है। इसके मद्देनजर प्रशासन लगातार लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दे रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक हिमाचल में 3 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 14 जुलाई के बाद 17 जुलाई तक ऑरेंज अलर्ट जारी है। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले की बोह घाटी में भूस्खलन के बाद बचाव अभियान जारी है, जिसमें एक शख्स की मौत की पुष्टि कर दी गई है और 9 अन्य के अभी मलबे के नीचे फंसे होने की आशंका है। लोगों को मलबे से बाहर निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। कोरोना अनलॉक के बीच पर्यटक भी बड़ी तादाद में हिमाचल पहुंच रहे हैं। उन्हें भी बिगड़ते मौसम के मद्देनजर सतर्क रहने को कहा जा रहा है। इस बीच कुल्लू जिले में भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए प्रशासन ने यहां होने वाली एडवेंचर एक्टिविटीज पर आने वाली 15 सितंबर तक रोक लगा दी है। पर्यटन विभाग ने भी इसको लेकर सभी टूर ऑपरेटरों को निर्देश जारी कर दिए हैं। जिला प्रशासन ने भारी बारिश के मद्देनजर पर्यटकों को अपनी यात्रा स्थगित करने का निर्देश दिया है। बारिश के कारण मंडी पठानकोट राजमार्ग पर यातायात भी बाधित है। बता दें कि सोमवार को राजधानी शिमला समेत कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। मौसम ने हिमाचल में रौद्र रूप दिखाया है। बीते 24 घंटे में बारिश ने कई जगहों पर तबाही मचाई है। सूबे के कांगड़ा जिले में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। यहां कई घर और गाड़ियां बही हैं। प्रदेश में सैकड़ों सड़कें बंद हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।